गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली बार ही बता चुके हैं, पिछले वीडियो में ही ये बात बताए हैं कि आज लोक सेवा आयोग का घेराव है दोस्तों, और हमारे साथ हमारे लाज में बहुत सारे बच्चे जो है वो मर मिटने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 2018 ही नहीं बल्कि 2017 का भी मुख्य परीक्षा इससे प्रभावित हो रहा है। बच्चे इस आस में लगे हुए थे दोस्तों कि 17 का रिज़ल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे बच्चे हमसे मिले जो इस आस में थे कि 17 में कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए तो फिर मैं अपनी ब्याह शादी करूं, अपने बड़ी बहन का शादी ब्याह करूं, अपने बेचे हुए खेत को फिर से खरीद सकूं। तो दोस्तों, तमाम समस्याओं से ग्रसित बच्चे यहाँ इस तपती धूप में एक छोटे से कमरे में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, इस आस में कि एक दिन हमारा जीवन सुधरेगा, संवरेगा। लेकिन उस पे इस गंदे आयोग ने पूरे का पूरा पानी फेर दिया दोस्तों। उनकी जो तमाम सोच थी वो एक पल में, एक झट में साफ कर दिया। इसका हम लोग विरोध करते हैं और इसीलिए हम लोग सेवा आयोग का घेराव कर रहे हैं। पिछली बार 2017 में मैं उसी समय ये समझ गया था कि कुछ बहुत गंदा खेल चल रहा है इस आयोग में, क्योंकि 17 में मैं सचिव साहब से बात किया था। वो उस समय LT ग्रेड की परीक्षा को दोस्तों हटाकर वो SPCS मेंस की परीक्षा को ज़बरदस्ती कराए थे। LT ग्रेड की परीक्षा को हटाने का क्या कारण था, जबकि उसकी डेट बिल्कुल फिक्स थी, उसमें तमाम सीटें थी। जब मैं ये सारे प्रश्न सचिव साहब से पूछा तो उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो यही कहते रह गए कि परीक्षा मेंस की बिल्कुल होगी, उसी समय पे होगी, हमारी सारी तैयारियां हैं और आप लोग जाइए, अब नेतागिरी मत करिए। दोस्तों, बहुत कष्ट हुआ और हम लोग जो है बैरन चले आए, लोक सेवा आयोग को हम लोग मना नहीं पाए और फिर हम लोगों ने ये मीटिंग करके ये डिसाइड किया कि अब अपनी बात को हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे। जब हम लोग BJP कार्यालय पे पहुंचे, योगी जी से मिलने की तमाम कोशिशें की, 4 दिन 5 दिन तक हम लोग बिना खाए पिए सड़कों पे भटक रहे थे दोस्तों, फिर भी योगी जी हम लोगों से मिले नहीं। तो आज हम लोग खुद जो है सड़क पे उतर रहे हैं। अगर उस समय सरकार ये ध्यान दी रहती तो ये आज समय नहीं आया रहता दोस्तों। ये सरकार को चाहिए कि उसमें जो है अच्छे अधिकारी, अच्छे सदस्यों को वहाँ नियुक्ति करे, ताकि सारा काम जो है साफ़ सुथरा हो सके और बच्चों के साथ, उनके जीवन के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न कर पाए ये लोक सेवा आयोग। यह सुनिश्चित करना सरकार का काम है। ये सरकार इस समय शपथ समारोह में व्यस्त है, यहाँ धड़े खुलेआम जो है पेपर को बेचा जा रहा है और योगी जी वहाँ दिल्ली में बैठ करके शपथ समारोह देख रहे हैं। उनको तुरंत उस सभा को स्थगित कर यहाँ उत्तर प्रदेश को पहले देखना चाहिए। ये चापलूसी नहीं चलेगी यहाँ। अगर सरकार इस तरह का काम करेगा तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और इतने बड़ी संख्या में उतरेंगे, क्योंकि ये मामला जो है वो करप्शन का है दोस्तों, और हम लोगों ने पूर्ण बहुमत सरकार को इसलिए दिया था कि करप्शन सरकार जो है हटाए। यह सरकार बिल्कुल फेल हो गई है और इसलिए हम लोगों को अब उतर कर पूरी इतनी संख्या में आप लोग आइए कि मीडिया वाले भी जो है अचरज करें, सरकार भी सारी तरफ से ध्यान अपना हटा करके इस लोक सेवा आयोग पे केंद्रित करें। जो भी इसमें संलिप्त हैं दोस्तों, उनको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से उनको उन पे मुकदमा चलाए और उन पे सख्त से सख्त सजा दे, ये इसकी मांग हम लोग कर रहे हैं। और जिन बच्चों का नुकसान हुआ है, जो इस तपती धूप में एक छोटे से कमरे को अपने जमीन लेकर बेच करके जो आ करके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी हम लोगों की ये मांग है कि ये BJP सरकार चूँकि ये करप्शन बंद करने के लिए आई थी, नाकाम रही है, पूरी तरह से नाकाम रही है, उसका मुआवजा जो है वो बच्चों को मिलना चाहिए। मोदी जी कहते हैं 15-15 लाख रुपया सभी गरीबों को मैं दूँगा और
हम ये कहते हैं कि जितने भी बच्चों का जो नुकसान सरकार की वजह से हुई है उसका भरपाई जो है सरकार करे। तो इसी के लिए आप लोग ज़रूर से ज़रूर आइए, हम लोग अहिंसात्मक तरीके से अपना प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल तोड़फोड़ नहीं करना है, सब कुछ शांति तरीके से होगा और एक बहुत बड़ी संख्या में आप लोग उपस्थित होइए ताकि हम लोग इस लोक सेवा आयोग को बिल्कुल साफ़ सुथरा इस बार कर लें। ये आर पार की लड़ाई है दोस्तों, अब नहीं तो कभी नहीं, इसका ख्याल रखिएगा और जल्दी से खाना पीना खा करके कुछ बना करके खा लीजिए और आयोग में, लोक सेवा आयोग में समय से पहुंच जाइए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।